नमस्कार दोस्तों, नेपाल को हाल ही में चीन के प्लेन्स को कचरे के भाव बेचना पड़ा। नेपाली एयरलाइंस ने चाइना के प्लेन जो कि करीबन 6.6 बिलियन नेपाली रुपए से खरीदे गए यानी कि 50 मिलियन डॉलर से खरीदे गए उनको कचरे के भाव में बेच दिया। और आप शायद सुनकर शौक हो जाओ कि कितने सस्ते में बेचे गए, इतने सस्ते दामों में बेचा गया कि आप भी एक प्लेन शायद खरीद सकते हो। नेपाल के टॉप ऑफिशियल्स के मुताबिक ये प्लेन नेपाल के लिए सरदर्दी बन चुके थे। इन 6 प्लेन को नेपाल ने चाइना से ही खरीदा था जो कि 2014 से लेकर 2018 के बीच में खरीदे गए थे और इसमें से एक प्लेन क्रैश भी हो चुका था। रिमेनिंग 5 जो प्लेन थे उसमें 56 सीटर MA-60 था, ऐसा 3 17 सीटर प्लेन थे जो कि Y-12E थे। और इन प्लेन की मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी ज्यादा थी कि नेपाल के लिए सरदर्दी बन चुके थे। आए दिन इसके कुछ ना कुछ पार्ट्स खराब होते थे जिसके लिए चीन को बार बार संपर्क करना पड़ता और इसीलिए कहा जाता है कि चीन के माल पर भरोसा भी ना करो थोड़ा। इन्हीं में से एक प्लेन टेक्निकल इश्यूज के चलते दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुका था जुलाई 2020 में ही। ऑफिशियल्स ने बताया कि नेपाली एयरलाइंस के इस प्लेन को 220 मिलियन नेपाली रुपीस में यानी कि 1.65 मिलियन डॉलर के प्राइस पर बेचा गया, यानी ये 5 प्लेन 1.65 मिलियन डॉलर के। पर प्लेन 5 से डिवाइड कर दीजिए कितना कम हो जाएगा। तो ऐसे ही कचड़े के भाव में, भंगार के भाव में इस प्लेन को बेचा गया। तो आपकी क्या इस पर कौन बॉल को कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या यहाँ पर वेस्टेज की गई या फिर औने पौने पे जानबूझ के इसको बेचा गया या फिर चीन का माली इतना खराब है। अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।